नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लोरिटोज टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, लोरिटोज टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और लोरिटोज टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि लोरिटोज टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। लोरिटोज एक ब्रांड नेम है। लोरिटोज टैबलेट के अंदर सॉल्ट कम्पोजिशन लोराटाडिन 10 mg होता है। लोरिटोज टैबलेट एक एंटीहिस्टामिन ड्रग क्लास की दवा है। लोरिटोज टैबलेट का उपयोग सर्दी, जुखाम, नजला और एलर्जी के लक्षणों से राहत पाने के लिए किया जाता है। सर्दी, जुखाम, एलर्जी या नजला के लक्षण जैसे नाक से पानी बहना, आंखों से पानी आना, आंख, नाक या गले में खुजली होना, छींक आना और शरीर पर कहीं खुजली होने पर आदि लक्षणों से राहत पाने के लिए लोरिटोज टैबलेट का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा डॉक्टर त्वचा पर रैशेस होने पर और त्वचा पर खुजली होने पर भी लोरिटोज टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। मधुमक्खी या किसी अन्य कम जहरीले जानवर के काटने की वजह से हुई त्वचा पर रैशेस, सूजन और खुजली को ठीक करने के लिए भी डॉक्टर लोरिटोज टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में लोरिटोज टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में लोरिटोज टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे मुंह में सूखापन होना, सिरदर्द होना, शरीर में थकान होना, नींद अधिक आना और उल्टी आने का मन होना आदि साइड इफेक्ट्स लोरिटोज टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि लोरिटोज टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। लोरिटोज टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आमतौर पर 6 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चों को डॉक्टर लोरिटोज 5 mg टैबलेट को दिन में एक बार लेने की सलाह देते हैं और 12 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को डॉक्टर लोरिटोज 10 mg टैबलेट को दिन में एक बार लेने की सलाह देते हैं। लोरिटोज टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब हम डिस्कस करेंगे कि लोरिटोज टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। लोरिटोज टैबलेट के साथ आपको शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को लोरिटोज टैबलेट को लेने के बाद नींद अधिक आती है तो ऐसे व्यक्तियों को लोरिटोज टैबलेट को लेने के बाद ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए और ऐसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतर्कता की आवश्यकता होती है, क्योंकि लोरिटोज टैबलेट को लेने के बाद कुछ व्यक्तियों को नींद आ सकती है। लोरिटोज टैबलेट प्रेग्नेंट महिलाओं और गर्भ में पल रहे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए भी लोरिटोज टैबलेट का सेवन करना सुरक्षित है। इसलिए जरूरत पड़ने पर डॉक्टर प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को लोरिटोज टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका लोरिटोज टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।